नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखक और प्रोड्यूसर रोंडा बर्न द्वारा लिखी बुक द पावर की समरी के बारे में। यह किताब शक्ति का एक ऐसा राज बताती है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस किताब में आप एक ऐसी लॉ के बारे में सीखेंगे जो लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज़्यादा ताकतवर है, और ये पावर आपके जीवन की सारी रचनाओं को बदलने में सक्षम है। दोस्तों, ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इस वीडियो के बाकी सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेविल गॉडर्ड, एक नव विचारवादी लेखक का कहना है, अफसोस करने में एक पल भी न गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार बनाना है। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएँ ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीज़ें लेकर आए। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज़ की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे होते हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीज़ें आ जाती हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? आप जिसे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब यह है कि प्रेम ना देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। तराजू का काटा। दोस्तों, यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहां अगर जरा से भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का काटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर, अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का काटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर आप अपने जीवन के तराजू का काटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं, और इसका कारण यह है कि जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है, बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियाँ और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज़ चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज़ आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर लेती है। आपने भी अपने जीवन के किसी बुरे दौर में यह अनुभव किया होगा, जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीज़ें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज़्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज़्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा, जब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीज़ें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसीलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज़्यादा नकारात्मकता दी।
और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है, और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। चैप्टर 4, शक्ति और सृजन, द पावर एंड क्रिएशन। इस अध्याय की शुरुआत लेखिका शक्ति गावेन के एक कथन से होता है, जो इस प्रकार है। आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल कैरियर, समृद्ध व्यवसाय या आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मनचाहे स्वरूप में ला सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। सृजन की प्रक्रिया, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। पहला, कल्पना करें। दोस्तों, आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। दूसरा, महसूस करें। मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है, जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है, इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। तीसरा, प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति के सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है, और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी, तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से, पूरी तरह चाहना होगा, जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है, कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसीलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहें, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दें, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे ना होने दें, क्योंकि आप जो भी देते हैं आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है
कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं या छरहरे बनना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपका वजन ज्यादा है। यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं हैं। यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने काम काज में बेहतर बनना चाहते हैं तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। धर्मशास्त्री और धर्मगुरु सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो कहते हैं, आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। हो सकता है कि सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहे। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। एक युवती ने जब पहले पहल इस सिद्धांत को आजमाया तो उसने सफेद कैला लिली नाम के एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। सप्ताह के बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहां टेबल के बीचों बीच सफेद कैला लिली का गुलदस्ता रखा था, वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से कैला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी बुक द पावर की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।